इंदौर में कौवों के बाद अब बर्ड फ्लू के लक्षण मुर्गा मुर्गी में भी मिले हैं। डेली कॉलेज के पास मूसाखड़ी क्षेत्र में मिले सैंपलों की प्रारंभिक जांच में बर्ड फ्लू के लक्षण सामने आए हैं। यह जांच भोपाल प्रयोगशाला में हुई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मूसाखड़ी क्षेत्र में 1 किलोमीटर क्षेत्र में चिकन मार्केट को 7 दिन के लिए तत्काल बंद करवाया गया है। पिछले दिनों डेली कॉलेज में कौवों की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद पास मूसाखेड़ी क्षेत्र के सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मूसाखेड़ी क्षेत्र में 1 किलोमीटर क्षेत्र में की चिकन मार्केट को 7 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। मुर्गा मुर्गी और अंडों को भी जब्त किया गया है। दरअसल इंदौर आई ये मुर्गियाँ पोल्ट्री हरियाणा से राजस्थान के रास्ते होकर आई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि सैंपलों की विस्तृत जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो इन शहरों में 1 किलोमीटर दायरे में चूजों के साथ तमाम पोल्ट्री को नष्ट किया जाएगा। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। एवियन इन्फ्लुएंजा के तहत आज मूसाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी और इसमें करीब 17 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 197 बर्ड वहाँ से सीज किए और करीब 200 अंडे भी सीज किए। और जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल के तहत जो गाइडलाइंस सेट की उसी के तहत उन सारे बर्ड्स को हम लोगों ने जेसीबी मशीन के थ्रू गड्ढा करके उसको डिस्ट्रॉय किया है। क्योंकि इस एरिया में इन्फेक्टेड एरिया हो चुका है ये और यहाँ पर इसका आउटब्रेक डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए हम लोगों को इस एरिया को पूरी तरह से 1 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरह की मटन चिकन शॉप को अगले 1 हफ्ते के लिए सारी दुकानें बंद रखना पड़ेगी। और किसी भी तरह का आवागमन, चाहे पोल्ट्री का, पोल्ट्री व्हीकल का, या एक फार्म से दूसरे फार्म में आदमी का आने जाने का, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग बैन करेंगे। जिन दुकानों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई थी उन दुकानों पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने सारी कार्रवाई की है और उम्मीद है कि जल्दी जल्दी इस वायरस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।